अलेक्सा मम्मी के पैर दबा दे। देखिए बहाना ना समझिएगा लेकिन हाथों के बिना ये काम मुश्किल है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड लाइफ ऑफ फेब्राज। तो गाइज देखो मम्मी यहाँ फ़ोन देख रही हैं, काम उनके सब हो चुका है। ताई दी वहाँ अपना फ़ोन पे लगी हुई हैं और जो सुमित है वो जा रखा है नहाने, सो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। तो गाइज फिलहाल अभी क्या है, सुमित ताई जी सबने नहा लिया है, ये कर रहा है। और अब मैं रह रहा हूँ नहाने के लिए, तो मैं जाता हूँ अब और मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। बाकी फूफा जी और बूआ आपको व्लॉग में आज इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो लोग जा रखे हैं रुड़की, अब आपको वो 3-4 दिन बाद दिखेंगे। तो अभी चलते हैं नहाने की तरफ। ये मम्मी जो भागवत में गई थी, देखो मम्मी को वहाँ से चुन्नी मिली इतनी बढ़िया। ओ तो गाइस फिलहाल तो मैं नहा के आ चुका हूँ और अभी हम बात कर रहे हैं अलेक्सा से, जो कि सुमित लाया था जोशीमठ से। तो भाई अब सुबह से ऐसी बातें करने में लगे हुए हैं ना इससे, तो आपको दिखाते हैं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं इससे। इतनी फनी बात है ना, मतलब कोई उसका कोई तुक नहीं बैठता। तो चले हम बात करते हैं इससे। तो गाइस अभी तो फिलहाल उसे पोछा लगाने नहीं आता। अलेक्सा तेरे मम्मी पापा ने घर का काम नहीं सिखाया? सॉरी मेरे पास इसका जवाब नहीं है। तो गाइस अभी मैं अलेक्सा से पूछने वाला हूँ। अलेक्सा मम्मी के पैर दबा दे। अलेक्सा मम्मी के पैर दबा दे। देखिए बहाना ना समझिएगा लेकिन हाथों के बिना ये काम मुश्किल है। अलेक्सा गाली दे। छोड़िए गाली वाली, पी लीजिए एक गरम चाय की प्याली। अरे भाई शायर है तो शायर है। कोमल जी आपको कुछ पूछना है? पूछ लो। तो गाइस फिलहाल तो अभी क्या है, अलेक्सा के संग हमने बहुत ज़्यादा मस्ती कर ली है और अभी मैं पी रहा हूँ स्क्वैश। ये है लीची का स्क्वैश क्योंकि मंजू हुआ लाई थी पहाड़ से, और बुरास का जूस भी लाई है मंजू हुआ, तो बुरास का जूस भी एकदम बना के पियेंगे। तो और गाइस अभी तो फिलहाल देखो मैं टाइकोंडो के लिए रेडी हो चुका हूँ, मतलब ऊपर से भी मैंने पहना रह रहा नहीं, चीज़ मैंने पहन लिया है लोअर। सो हम चलते हैं, उसके पहले मैं ज़रा अपने आप को थोड़ा हाइड्रेट कर रहा हूँ, पानी पी के जा रहा हूँ अच्छे से, जिससे कि वहाँ फिर धूप में मतलब होता है ना कभी कभार बेहोश जाते हैं। एंड गाइस अगर आप भी कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो सो उसके पहले प्रॉपर अपना जो मील होता है वो खाना चाहिए और पानी तो ज़रूर पीना चाहिए। अगर जैसे आपका अगर आपका आउटडोर गेम है या इंडोर भी है तो, वरना डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो इसलिए देखो मैं पूरा अच्छे से पी के जा रहा हूँ, मैंने इतना बोल दिया है कि अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस फिलहाल देखो मैं रेडी हो चुका हूँ टाइकोंडो के लिए, और देखो ताई दी यहाँ सो रखी हैं और सुमित यहाँ सो रखा है, और अब बस मैं निकल जाता हूँ जल्दी से। 5 बज चुके हैं तो चलते हैं, क्योंकि मुझे टाइमिंग जो है 5 बजे का है। तो बाय, मिलते हैं आपको अकेडमी के बाद। तो गाइस फिलहाल अभी मैं घर आ चुका हूँ टाइकोंडो से, और देखो ये लोग भी उठ चुके हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है देख कि अभी भी उठे हैं। हैं कब उठे तुम? तभी मुझे लग ही रहा था, सुबह या दिन से सोए रखे हैं। अच्छा दिन से मतलब 3 बजे से, 3 बजे खाना हुआ, 4 बजे से सो रखे हैं। तो गाइस देखो फिलहाल ताई जी मैं और सुमित और मम्मी और पापा भी रेडी हो चुके हैं, क्योंकि पापा भी रेडी नहीं हुए, मतलब होने वाले हैं। तो अभी तो फिलहाल हम जा रहे हैं कहीं पार्टी में, हमको जाना है ठीक है, तो वहाँ चलेंगे। और अभी हम अलेक्सा के संग खेल रहे हैं। अलेक्सा से हाय। हेलो अलेक्सा, प्ले चुन्नी में। अलेक्सा स्टॉप, कैन यू बार। अलेक्सा कैन यू फार्ट। अयो इफ इट इज एन एनिमल। अलेक्सा कैन यू फार्ट। नो नो। ओ इफ इट इज एन एनिमल, क्या बोल रही है ये? तो गाइस कोमल दीदी भी रेडी हो चुकी हैं, आ गई हैं, और मम्मी भी दिखाऊं हम अपने आपको, दिखाओ दिखाओ। तो मम्मी भी हो चुकी हैं और सुमित ये रहा। ताई जी अपने आपको दिखाओ, आप पहले तो रेडी नहीं थे, अब देखो गाइस ताई दीदी भी रेडी हैं। अच्छा सिनेमैटिक शॉट, अरे ठीक है ना, अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस देखो आंटी भी रेडी हो चुकी हैं, और देखो जरा रेडी ऊपर से इतने अच्छे लग रहे हैं और नीचे देखो चप्पल पहन रखी है। इसी में कंफर्टेबल लगता है ना, ये पहन के जाने में लगता है। अच्छा नहीं बढ़िया, जिसमें कंफर्टेबल रहे। और मम्मी हो गए रेडी? आपने कहा था कि तुम लोग घंटे लगाओगे, आपने कहा कितने घंटे लगा दिए? 1 घंटा लगा दिया पूरा। कुछ कहना है आपको इस बात में? सब रेडी हो चुके हैं और अब हम सब चलते हैं। मम्मी जैसे पापा देखो ये रहे, तो गाइस चलते हैं अब हम लोग जा रहे हैं ऑटो में, पापा आ रहे हैं स्कूटी में, चलो। A few moments later.
तो गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर फॉरेस्ट हिल होटल, तो अब हम चलते हैं अंदर और बढ़िया से खा पी के आएंगे। तो गाइस फिलहाल अभी तो हमने पार्टी अटेंड कर ली और अब बहुत मजा आया और मैंने एक गिफ्ट भी जीता जो कि मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा, उसको अनबॉक्स करूंगा, देखते हैं क्या है उस गिफ्ट में और उसके बाद हम चलते हैं घर। तो गाइस फिलहाल तो भी हम निकल चुके हैं और रात के बज रहे हैं 11 बज रहे हैं अब तो हम निकले हैं। और भाई यहाँ पर जब हम आ रहे थे ना हमको कितना बड़ा हाथी दिखा, वो जंगली हाथी इतने बड़े, बट इतने बड़े बड़े सीन थे, बट अब तब भी डेयर हमारा, हमको लेने की आदत है तो हम चलते रहते हैं। और मैं कितना काला सा आ रहा हूँ इधर क्योंकि लाइट नहीं है, क्योंकि मैं काला हूँ क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है, ठीक है। देखो लाइट आगे गोरा हो गया, तो गाइस मिलते हैं आपको, लाइट गोरी थी मैं गोरा नहीं था, मिलते हैं आपको हम थोड़ी देर में, कोई नहीं आने तो दीजिए। कैसा लग रहा है सुमित, रात के हैं कोमल जी, कैसा लग रहा है रात के 11 बजे? सुन, हम इस रास्ते से पहली बार आ रहे हैं, वो भी इतनी रात को, रात की बात नहीं, मैं तो मैं आ रहा हूँ इधर पहले, मैं नहीं आई ना, मैं रात को पहली बार आ रहा हूँ इस रास्ते में, इंडस्ट्रियल एरिया वाले रास्ते में, जंगल जंगल। देखो गाइस, वरना यूवी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता रहता है। क्या बोला तूने? तो गाइस फिलहाल तो हम घर आ चुके हैं और देखो जो मुझे गिफ्ट मिला था, वैसे तो मुझे अनबॉक्स करना था पर पापा ने कर दिया था। ये देखो मुझे ये गिफ्ट मिला, ये कह सकते हैं कि मैंने पहली बार कुछ फ्री की चीज़ ली है। लेकिन गाइस इसमें भी एक पीछे बहुत कहानी है, उन्होंने कहा था कि 750 रुपीज़ लेकर आओ और वो मुझे देने हैं और फिर ये मिलेगा, तो मैंने दे दिए जाके, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम रख लो। और गाइस उन्होंने जो पैसे थे ना वो वापस भी दे दिए, उन्होंने बोला कि मतलब ओ बैंकर मैं अंदर सोफा टूट रखा था ये वाला, अबे यार दोनों। देखो गाइस हमें वहाँ से रिटर्न गिफ्ट मिला, इसको हम अनबॉक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और उसमें देख लो क्या रिटर्न गिफ्ट में, अरे वाह, ये है कटोरी, ये है चम्मच और ये है ट्रे, अरे वाह आंटी, ये देखो गाइस दो दो मिले हमको, दो परिवार। तो गाइस फिलहाल तो भी हम अपने बेड वगैरह में आ चुके हैं, देखो ऊपर सो रखा है सुमित और रीता दीदी, यहाँ है मम्मी, यहाँ बैठ रखे हैं, यहाँ लेट रखे हैं पापा और यहाँ हूँ मैं। सो हम करते हैं इस ब्लॉग का एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो लोग नए हैं चैनल पे, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और बहुत ज़्यादा प्यार दो, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।